है एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इज मिजो उपाध्याय स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ तो अभी तक मैंने जो वीडियोज़ अपलोड की थी उसमें मैंने आपको फिजिक्स और इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं चाहे वो कमिस्ट्री हो बायलॉजी हो और जी के नर्सिंग एंटीट्यूड सभी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं जो आपके सीनियर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो को पूरा एंड तक देखना बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल आर डिफ्रेंशिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अगर किसी एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको आप कैसे मतलब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो देखो जैसे एक, एक मान लो कोई ऑर्बिटल है इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है दो तो सबसे पहली चीज़ तो अगर उसकी मैग्नेटिक देखो एक बात ध्यान से सुनो कि जो जितने भी अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकती है और एजीम्यूथल भी सेम हो सकती है लेकिन वो जो अलग होते हैं वो किस वजह से होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर क्योंकि तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बाइटर में है तो एक की स्पिन क्या होगी अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बाइटर में है तो एक की स्पिन इस साइड होगी एक की स्पिन ऐसे होगी तो उसको हम प्लस माइनस में देखते हैं तो जो मतलब जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन सबकी जो स्पिन क्वांटम स्पिन जो उनका क्वांटम नंबर होता है वो अलग होता है उनके डायरेक्शन जो होते हैं अलग अलग होते हैं कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला कि आईसो बार्स जो आइसोबार बार होते हैं उनका क्या सेम होता है तो आईसो बार से क्या होता है आइसो बार हैव सेम एटॉमिक सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जो आइसोबार बार होते हैं आइसो बार का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है बट उनका जो क्या होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर जैसे फोर्टी फोर में आपको एग्जांपल दूं जैसे एक क्या हो गया सल्फ़र हो गया सल्फ़र 40 और क्लोरीन 40 ठीक है तो इनका क्या है देखो इनका देखो जो मास नंबर है सेम 40, 40, है बट इनका एटॉमिक नंबर क्या है वो अलग अलग है तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं बोलते हैं उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेगेटिव आयन इनमें से कौन सा नेगेटिव आयन है तो पहला ऑप्शन क्या है इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन ठीक है इफ सेकंड क्या बोला है इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स इफ इट हैज़ मोर प्रोटॉन दैन इलेक्ट्रॉन फोर्थ है इफ़ इट हैज़ मोर प्रोटॉन दैन न्यूट्रॉन्स तो फोर्टी फाइव में देखो क्या होगा अगर जितना जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो उतना नेगेटिविटी बढ़ती है उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है ठीक है तो इसका कौन सा ऑप्शन से ही होगा पहला होगा इफ इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन क्योंकि जब प्रोटोन बढ़ने पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आता है नेगेटिव बढ़ने पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा आता है अब उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, तो फोर्टी सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ठीक है तो देखो जितना मतलब क्या बोलते हैं जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा उसको तोड़ने में उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है ठीक है तो क्या होता है बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है तो उस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन सही है पहले में क्या बोला है कि लोअर द बॉन्ड एनर्जी शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ नहीं अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड एनर्जी फिर ज्यादा होगी दे आर रिलेटेड दे आर नो रिलेटेड नहीं गलत बात है बिल्कुल थर्ड में क्या बोला है हायर द बॉन्ड एनर्जी शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ तो ए थर्ड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्या होगा जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी हायर जो है उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो फोर्टी सिक्स का कौन सा ऑप्शन सही है फोर्टी सिक्स का थर्ड है फोर्टी सेवन में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन हाइस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन आर कार्ड अगर कोई इलेक्ट्रॉन uh, है वो अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल में है तो उसको क्या बोलते हैं तो उसको क्या होता है बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो अगले क्वेश्चन वॉट सल्फर एंड वन हाइब्रिडाइज्ड अगर एक जो है फॉस सल्फर का और एक फास्फोरस का ऑर्बिटल जो है हाइबाइज होगा तो क्या होगा तो पहले वी गेट थ्री ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स इन अ प्लेन वी गेट अ टू और डिग्री और इसमें क्या बोला है थर्ड में एक मिनट पढ़ लेता हूँ ऑप्शन थर्ड में बोला वी गेट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स एंड फोर्थ में बोला वी गेट फोर ऑर्बिटल डायरेक्टर टेट्राहेड्रली तो फोर्टी एट का क्या होगा फोर्टी एट का देखो इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही मेरे को लग रहा है इसमें क्या होगा वी गेट अ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स ठीक है फोर्टी एट का कौन सा होगा थर्ड ऑप्शन सही सॉरी सॉरी फोर्टी एट का एक मिनट फोर्टी एट का सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा सही मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है एक मिनट यस वी गेट टू ऑर्बिटल्स आर वन एट्टी डिग्री ठीक है इनमें क्या होगा एस, एस पी हाइब्रिड जो इनमें क्या कैसा अगर एक एस का एक पी का होता है तो कैसा एस पी हाइब्रिडाइशन होता है तो एस पी हाइब्रिडेशन के बीच हाइब्रिडाइजेशन के बीच कैसा एंगल बनता है वन एट्टी डिग्री का बनता है ठीक है तो इससे कौन सा ऑप्शन सही से इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा एन क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस है कौन से मोशन में तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के तो कैसे ऑर्बिटल मोशन में वो इवॉल्व करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे इसमें बोला करेक्टर्स ऑफ बॉन्ड बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ए ग्रेटर दैन डिफरेंस इन मै क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज इज लेसर तो इसमें क्या क्या होगा पहला है पोलर सेकेंड है मेटेलिक थर्ड है आयनिक और फोर्थ क्या है कोवेलेंट तो फिफ्टी का कौन सा ऑप्शन सही होगा फिफ्टी का होगा क्या कोवेलेंट उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जिसमें वो बो क्या बोल रहा है टू गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट ओनली व्हेन दे हैव दो गैसियस मॉलिक्यूल कब रिएक्ट करते हैं जब उनमें क्या फ्री एनर्जी सेम हो एंड्रॉपी सेम हो ओरिएंटेशन सेम हो एनर्जी सेम हो तो फिफ्टी वन का कौन सा सही होगा फोर्थ होगा और जब इनमें क्या होगा ओरिएंटेशन या स्टेरिक फैक्टर ठीक है जब सेम होता है तो फिर ही तो ही दो गैसेज आपस में रिएक्ट करते हैं बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो क्या बोल रहा है कि द सब एटोमिक पार्टिकल्स दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ऑल ऑफ द ऑप्शन है करेक्ट तो फिफ्टी टू का कौन सा होगा थर्ड होगा जब कोई चार्ज नहीं होता तो उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन बोलते हैं उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसमें क्या बोला है कि वॉट इज द मास ऑफ ऑफ मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स आर दोल्ड तो इसका क्या बोलते हैं ठीक है थीके? तो फिफ्टी थ्री का क्या होगा फिफ्टी थ्री में होगा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा मॉलिकुलर मास उसके बाद अगले क्वेश्चन में बोला है कि प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज तो जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं हम तो उस क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिडक्शन और अगर लॉस करते हैं तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन 55 में क्या बोला है कि हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर देयर तो कितने आइसोटोप्स होते हैं 55 फाइव क्या होगा सेकेंड होगा तीन आइसोटोप्स वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री ठीक है ऐसे एच वन एच टू एच थ्री बाकी इस इज वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री तो एच वन एच टू एच थ्री के कुछ नाम होते हैं वो जो नाम है आप मेरे को उसको कमेंट सेक्शन में बताना कि इसको क्या बोलते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसमें क्या बोल रहा है कि सॉयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जो सॉयल मिट्टी होती है किस चीज़ का एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर मोलिक्यूल कंपाउंड एंड हाइट्रोजीनियस मिक्सचर तो 56 का कौन सा होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा हाइट्रोजीनियस मिक्सचर

तो ड्राई आइस और कैंफर जो होते हैं किसके एग्जाम होते हैं शबलीमेन को आप लोग याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है नर्सिंग के एग्जाम में फिफ्टी नाइन में बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज कौन सा नहीं होता अल्फा पार्टिकल्स प्रोटोन का तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फिफ्टी नाइन का होगा फोर्थ होगा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है सिस्टी में सिस्टम में क्या बोला कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ वाटर थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोलिकूल होते हैं तो ठीक है तो मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास तो वेट कितना दिया है छत्तीस दिया है और इसका वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है एटीन होता है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टू तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा उसके बाद पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे तो इसमें बोला है कि व्हाट इज द मास ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ठीक है तो एक जो अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि इसका एक होता है मोल इज कॉल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास अब यहाँ पे क्या पूछा है आपका क्या व्हाट इज़ द मास तो मास पूछा है तो मास को निकालने के लिए आप फार्मूले को यहाँ पे आप मतलब इसको यहाँ वहाँ जो जैसे भी करना हो एडजस्ट करके आप यहाँ से आप इसका निक, निकाल सकते हो कि इसका मास कितना है ठीक है मोलिकुलर मास और बाकी इसका जो भी आंसर होगा कितना होगा सिक्सटी वन में आई थिंक इसका जो सही ऑप्शन है वो कितना होगा इसका जो होगा वन ज़ीरो एट होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि इसका फोर इंटू जो इसका वो होता है क्या बोलते हैं इसका जो वेट कितना आएगा वेट इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास तो वेट कितना इसका मोलर मास चार दिया है और जो इसका मास होता है क्या बोलते हैं एर्मोनीय का एलुमिनियम का जब इसका मोलर मास कितना होता है ट्वेंटी सेवन होता है तो ट्वेंटी सेवन इंटू फोर आई थिंक हाँ वन जीरो एट आ जाएगा तो वेट कितना इसका आ जाएगा वन जीरो एट उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन हाज रिएक्शन वॉट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाई सब्सटेंस इज कार्ल्ड लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है क्या सब्सटेंस का क्या कहलाता है तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन कहलाता है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ये रहें कुछ आपके जो कमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी जो जो भी मैंने आपको बोला कि कमेंट करके बताने को आप मेरे को उसको कमेंट करके बताना जैसे आपको मैंने आइसोटोप्स के जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं उनके नाम आपको कहे थे जानने को तो ये भी जो नाम भी होता कभी है कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप जितने भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं उसका नाम आपको पता होना चाहिए तो आप इसको एक बार चाहे गूगल करके चाहे किसी बुक से आप सर्च करके देख लेना और याद रखना चाहिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बाकी अगर आपका कोई अभी डाउट हो जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम आई डी इसको पिन कर दूंगा आप कमेंट सेक्शन में आप वहाँ से जाकर मेरे से जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो ठीक है थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो